हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। आज तो बेटे अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। पिछले टॉपिक दे विच बेटे आपा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बारे पढ़िया सी। ते इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हुंदा है? अजिहे सेल जिथे केमिकल रिएक्शन तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही सी। हुन आपा दूसरे टॉपिक ते आए हैं इलेक्ट्रोलिसिस। नाम तो पता लग रहा है, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, कि जदों आपा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं तो उस फिनोमिनन नु किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। सो द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शन क्रिएट की जा रही है, उस फिनोमिनन नु किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस किवें कैरी आउट किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट किया जाता है बेटा एक टैंक दे विच। इस टैंक नू आपां कहने हैं इलेक्ट्रोलिसिस टैंक या इलेक्ट्रोलिटिक टैंक कह दिंदे हां नू आपां। इस दे विच आपां एक सोल्यूशन फिल करते हैं, या कह लो कि आपां किसी इलेक्ट्रोलाइट नू पिघला के मोल्टन फॉर्म दे विच वो इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक च आपां भर लिया। इत्थे दो ग्रेफाइट रॉड स्टिप कर सकते हैं या आपां दो इलेक्ट्रोड फिट करने हैं, ठीक है। एक नू आपां बिजली दे सर्किट दे पॉजिटिव दे नाल जोड़ देवांगे ते दूसरे नू आपां नेगेटिव दे नाल कनेक्ट कर दांगे। जेड़े इलेक्ट्रोड नू बेटा आपां पॉजिटिव नाल जोड़िया है वो करेगा एनोड दा काम, और जिन्हू आपां नेगेटिव टर्मिनल दे नाल जोड़िया है वो करेगा कैथोड दा काम। सो याद है ना इलेक्ट्रोलाइट की चीज होंदी है? इलेक्ट्रोलाइट होंदे है वो मटीरियल जिहड़े सॉलिड स्टेट च इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करदे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन देयर मोल्टन और इन देयर एक्वस फॉर्म, क्योंकि पिघले हुए या सोल्यूशन फॉर्म दे विच इलेक्ट्रोलाइट ने अपने आयन्स दे विच टुट जाना है। जिवें आपां कोई ए बी इलेक्ट्रोलाइट लिता ते जदों इहनूं आपां पिघलावांगे या इनू पानी च पा देंगे सोल्यूशन बना देंगे तो दोनों सूरतों के विच ए बी ने अपने आयन्स च टुट जाना है। सो ए बी इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक दे विच इलेक्ट्रोलाइट लै लिया, दो इलेक्ट्रोड लै ले, बिजली की सप्लाई इंश्योर कर ली। जो आप इन चो करंट लंघावे दैन वट विल हैपन, जेडे आह आयन्स बने हैं पॉजिटिव आयन्स जेडे है वो जाएंगे नैगेटिव वल, अट्रैक्ट हो जाएंगे ना। सो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड वाल चले गए, और जेडे नेगेटिव आयन्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड वाल चले गए। कैथोड ते जाके की होना है? कैथोड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखो कैथोड दे उत्ते जाके कटायन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल एटम बना देना है एनोड दे उत्ते। एनोड ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनयन ने इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल एटम बनाता। सो इलेक्ट्रोलिसिस दे विच ओवरऑल हो की रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस दे विच जेड़े आयन्स सॉल्यूशन दे विच इलेक्ट्रिसिटी लंघान ते प्रोड्यूस होए सी उन्ना आयन्स दी एक तरह न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। कटायन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ते अनयन कोले जेड़ा फालतू इलेक्ट्रॉन सी ओने लूज करता ते हुन एज अ रिजल्ट न्यूट्रल मटीरियल्स आर प्रोड्यूस्ड। रूटीन लाइफ दे विच बेटा इलेक्ट्रोलिसिस दा इस्तेमाल कित्थे कीता जांदा है? जो आपां ज्वेलर कोले जाने हैं, कोई कहने हैं भी आ चाबी है इंदे उत्ते कोई निकल पॉलिश करवांदा है, ठीक है, या आपां किसे ज्वेलरी पीस दे उत्ते गोल्ड दा पानी चढ़वाने हैं जिन्हों आपां कहने हैं। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्नीक दे विच इलेक्ट्रोलिसिस दी मदद लिती जांदी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्नीक दे विच एक मैटल दे उत्ते दूजी मैटल दी आपां एक परत चढ़ा दिंदे आ, कोटिंग कर दिंदे आ, उहनूं आपां कहिंदे आ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो रूटीन लाइफ दे विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्नीक दा इस्तेमाल कीता जांदा है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस ते आधारित है। हुण आपां समझदे हैं कि जदों कोई इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट कीता जांदा है तां किहड़े किहड़े प्रोडक्ट्स पॉसिबल हुंदे आ, इह काहदे ते डिपेंड करदा है। देखो सब तो पहला आपां लैणे आ NaCl मोल्टन। मोल्टन मतलब NaCl नूं आपां पिघलाया होया है।
जो मोल्टन NaCl लिया तो उनके सोडियम ते क्लोराइड आयन है, तो जो आप बेटा इलेक्ट्रिसिटी इनके चो पास करांगे तो की होएगा, जेडे कटायन है पॉजिटिव आयन है वह कैथोड यानी कि नैगेटिव इलेक्ट्रोड वाल चले जाएंगे, तो उत्थे जाके इन्होंने की करना है रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम बन गया। एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ते कौन जाएगा, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन अनायन एनोड वाल चले गए, उत्थे जाके की होएगा एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होएगी। सो एनोड दे उत्ते अनायन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिता, न्यूट्रल एटम बन गया। क्लोराइड तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन एटम बन गया, जो तो दूसरे क्लोराइड तो क्लोरीन एटम बनया, एक क्लोरीन एटम आपस च कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे। सो दो क्लोराइड्स तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। जे आप इन दोनों इक्वेशंस नू ओवरऑल लिखना ना बेटा, तो दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे विचों बाहर निकले है ना, तो इत्थे आप दो इलेक्ट्रॉन गेन करावांगे। सो इस पूरी इक्वेशन नू दो नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल रिएक्शन की बन गई बेटा जी, ओवरऑल रिएक्शन बन गई NaCl दे दो मॉलिक्यूल। जदों इन्दे विचों इलेक्ट्रिसिटी लंघाई मतलब जो इन्दे विचों करंट पास किया, कैथोड ते सोडियम आ गया और एनोड दे उत्ते क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन लिबरेट होगी। ओके, पर जदों आपां बेटा NaCl दा एक्वस सोल्यूशन लै लैंदे आ, एक्वस मतलब कि नमक नूं आपां पानी च घोल दिता, वह सोल्यूशन लै लिया, उस सोल्यूशन च जदों आपां इलेक्ट्रिसिटी पास करांगे तां अपने कोले देखदे हैं कि आ वाले आयन्स बन जांदे हैं। NaCl ने अपने आयन्स च टुट जाना है, Na पॉजिटिव ते Cl नैगेटिव बन गए। वाटर दे दो आयन एच पॉजिटिव ते OH नैगेटिव ए भी बन जाएंगे। तुम देखो जदों अपने कोले जेडे आयन्स बने हैं पॉजिटिव केड़े केड़े बन गए, सोडियम पॉजिटिव ते एच पॉजिटिव, मतलब सोल्यूशन दे विच दो पॉजिटिव आयन्स है, ठीक है, ते दो नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन केड़े इलेक्ट्रोड वाल जाएंगे, नेगेटिव यानी कि कैथोड वाल चले गए, और जेड़े आ वाले अनायन्स हैं ये केड़े इलेक्ट्रोड वाल जाएंगे, एनोड वाल पॉजिटिव वाल चले जाएंगे। तो कैथोड दे उत्ते पहुंच गए अपने दोनों आयन, ठीक है, दोनों आयन ही एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना एटम बना सकते हैं। सोडियम पॉजिटिव जे एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सोडियम एटम बनेगा, एच पॉजिटिव जे एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अद्धा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि एक हाइड्रोजन एटम ये बनेगा। हुन इन्हां दोनों च रेस लगी हुई है कि असी कैथोड ते जाके इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो केड़ा जितूगा इस रेस दे विच, जींदा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। हुन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज देखो, हाइड्रोजन दी हैगी 0.00 और सोडियम दी किन्नी है -2.71 वोल्ट। हुन इन्हां दोनों दे विचों वड्डी केड़ी वैल्यू है, यस वड्डी वैल्यू है इस टाइम जीरो, ठीक है। सो होएगा कि एच पॉजिटिव जेड़ा उस रेस च जित गया, एच पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके एच एटम यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दा अद्धा हिस्सा वो प्रोड्यूस करेगा। आपां इस नूं ये कह सकते हैं कि वाटर ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वाटर ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वाटर दे एक्चुअली केड़े हिस्से ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एच पॉजिटिव ने। सो एच पॉजिटिव दा तां बन गया हाफ एच टू, वाटर दा दूजा हिस्सा OH नैगेटिव तां उदां दा उदां ही पिया ना, ठीक है। सो एनोड ते की हो रहे हैं वह भी देख लैंदे हैं। एनोड ते दो अनायन्स दे विच रेस लगी हुई है कि असी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। हुन इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा कि जे क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बनेगा हाफ क्लोरीन, और जे OH नैगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इन्दे चो अद्धा ऑक्सीजन एटम निकलेगा, तो एच पॉजिटिव दे नाल एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये चीज आप याद रखनी है, मतलब जे वॉटर ऑक्सीडाइज हुंदा है तो एच पॉजिटिव और OH नैगेटिव निकलते हैं, OH नैगेटिव दे विचों ओ हाफ ओ टू मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ते नाल इलेक्ट्रॉन एक बार निकल गया, ठीक है। हुन इन्हां दोनों रिएक्शंस दे रिडक्शन पोटेंशियल्स देखो, रिडक्शन पोटेंशियल किंदा ज्यादा है, किंदा ज्यादा है क्लोराइड दा, ठीक है, किंदे नालों वाटर दे नालों।
जिंदा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट होएगा। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किंदा ज्यादा है इथे OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। असं एक्सपैक्ट करते हैं कि जिंदा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उही एनोड से आऊगा। असं एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि एनोड से ऑक्सीजन गैस आएगी, पर असं देखते हैं सरप्राइजिंगली कि जिहड़ी गैस साडे कोल एनोड से आ रही है दैट इज क्लोरीन गैस। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि क्लोरीन गैस क्यों आई। बेटा जे तुहानू एक क्वेश्चन एग्जाम च पूछा जाता है तो तुसी उहदा सिंपल जिहा आंसर लिख सकते हो कि कंसनट्रेटेड एक्व सोल्यूशन दे विच जदों NaCl दे विचों बिजली लंघाई जानी है ना तो क्लोरीन गैस तो ऑबटेन होनी है मेन एनोड ते, ऑक्सीजन नहीं ऑबटेन होनी। इन द रीजन है कि जिहड़ी ओवर वोल्टेज या हायर वोल्टेज रिक्वायर्ड हुंदी है इलैक्ट्रोलिसिस वास्ते उस ओवर वोल्टेज करके क्लोरीन गैस एनोड ते ऑबटेन हुई है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा कि इत्थे ओवर वोल्टेज क्यों हाई वोल्टेज क्यों इस्तेमाल हुई। दरअसल की होंगे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस करना होंगे ना तो आप थोरैटिकली पहला कैलकुलेट कर लेने EMF वैल्यूज तो भी सानू किन्नी वोल्टेज चाहिदी होगी। तो असल च देखते हैं कि जिन्नी वोल्टेज चाहिदी है ना वो तो थोरैटिकल वैल्यू तो कितने ज्यादा है जिन्होंने असं हायर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज कह दें। इनका कारण की होंगे, इनका कारण यह है कि जो इलेक्ट्रोड की सरफेस के उत्ते एक इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं दूसरे की सरफेस के उत्ते जाके इलेक्ट्रॉन गेन होने हैं सोल्यूशन के विच इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जिहड़ी मूवमेंट है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके विच कुछ हद तक स्लोनैस होंगी है हौली हौली हो रही है और जिनी रिएक्शन जिनी यह मूवमेंट हौली होएगी सोल्यूशन के विच रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उन्नी वध जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नू ओवरकम करन दे लई एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पएगी। इसी एक्स्ट्रा वोल्टेज करके क्लोरीन गैस ऑबटेन हुई। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा वोल्टेज क्लोरीन नू घट चाहिदी है पर ऑक्सीजन नू बहुत ज्यादा चाहिदी है। इस करके साडे कोले एनोड उपर क्लोरीन गैस ऑबटेन हुंदी है। सो ओवरऑल इक्वेशन एक्वस NaCl दे इलेक्ट्रोलिसिस दी की बन जाएगी। कैथोड ते वाटर ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हाफ H2 ते OH नेगेटिव प्रोड्यूस होए। एनोड दे उपर OH नेगेटिव दी बजाए Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है और Cl2 दा हाफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी। सो आप कह सकते हैं कि NaCl नू जदों पानी च पाया इन्हां दोनों रिएक्शंस दा सम टोटल लिख दांगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनने हैं ना। Na पॉजिटिव तो सोल्यूशन च एज सच पए है ठीक है। पानी दे विच्चों दी OH नेगेटिव और H2 एंड NaCl दे विच्चों दी आपां देखिया है कि Cl2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। Cl2 गैस कित्थे प्रोड्यूस हुई है? यस एनोड ते। हाइड्रोजन गैस कित्थे प्रोड्यूस हुई है? कैथोड ते। सो असी दो प्रोडक्ट्स एक कैथोड ते और एक एनोड ते ऑबटेन कर रहे हैं, दोनों ही गैशियस है। हुण बेटे आपां नूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी समझ लग गया, इलेक्ट्रोकैमिकल सेल भी समझ लग गया कि आपां इन्हां दोनों दे विच डिफरेंसेस याद कर सकते हैं। पहला नोट डाउन करते हैं डिफरेंसेस की है। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोकैमिकल सेल दे विच कैमिकल रिएक्शन हुंदी है जिस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। सो द डिवाइस विच कन्वर्ट्स कैमिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकैमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हुंदा है जिथे असी बिजली इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन करते हैं। सो द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन्दे विच जिहड़ी केमिकल रिएक्शन हो रही है उस स्पॉन्टेनियस है अपने आप हो रही है ते उनदी स्पॉन्टेनिटी करके ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जबकि रिडॉक्स रिएक्शन जिहड़ी इलेक्ट्रोलिटिक सेल च हुंदी है वह नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जिहड़ी अपने आप नहीं हो रही, जिन्हों कैरी ऑन करन दे लई सानू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पैंदी है। बेटे हुण सीधी जी गल है जे वाटर आपां देखिए वाटर दा इलेक्ट्रोलिसिस करना होवे पानी चो बिजली लंघावांगे तां पानी टुटेगा, अदरवाइज तां नहीं पानी टुटदा ना। सो पानी दा टुटना नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अजिहियां नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिन्हां दे विच्चों बिजली लंघा के उन्हां रिएक्शन नूं पॉसिबल कराया जांदा है
ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਐਨੋਡ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ ਚ ਤਾਂ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਨੋਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਲੋਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਔਰ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਸਾਈਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਐਨੋਡ ਟੂ ਕੈਥੋਡ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਐਨੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇ ਕਮ ਆਊਟ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਕੋਲੇ, ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਾ ਕਰੰਟ ਆਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਆਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੋਲਡ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ। ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟਾਂਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਬਲਯੂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟਾਂਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕਿਊ। ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਬਲਯੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਕਿਊ। ਜ਼ੈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲੈਂਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਨਾਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਬਲਯੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਕਿਊ। ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾਈ ਓਨਾ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਰਜ। ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਟੀ। ਸੋ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਈ ਨੂੰ ਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਡਬਲਯੂ ਬਿਕਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਆਈ ਟੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਏ ਵੀ ਵਨ ਏ ਵੀ ਵਨ, ਦੈਨ ਡਬਲਯੂ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੈਡ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡਿਫਾਈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲੈਂਟ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਲੰਘਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਈ
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿੱਚ ਆਨ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਵਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਇਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬਣੇਗਾ। ਐਲਮੀਨੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਟਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਹੈ? ਮੋਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਆਇਨਸ ਦੁਆਰਾ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 23 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲ ਆਇਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਦੋਂ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 107 ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੋਲ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ 2 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਗੇਨ ਕੀਤੇ, 2 ਮੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਗੇਨ ਹੋਏ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਲ ਆਫ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ 2 ਮੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਪਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸਦੇ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 2, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਮਾਸ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਇਨ ਦੁਆਰਾ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ, ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਵੇਟ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਮੋਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜੈਸੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਵੇਟਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੇਟ ਆਫ ਕਾਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੇਟ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਵੇਟ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਫੇਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 96500 ਕੂਲਮਸ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਾਂ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਤਾਂ 23 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ 107.87 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਦਊਂਗੀ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਮਤਲਬ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਗੇਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਮਾਸ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਲੰਘਾਤਾ
जिहड़ी अमाउंट डिपॉजिट होनी है दैट विल बी इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। इस चीज नूं याद रखना है। न्यूमेरिकल्स दे विच बेटे जिहड़ी आ चीज है ना ये बहुत इस्तेमाल होंदी है, इंपॉर्टेंट है ये कि z इंटू 96500 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। इलेक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट नूं 96500 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तां ओह इक्विवेलेंट वेट दे बराबर आ जाएगा। चलो बेटा हुण आपां एक न्यूमेरिकल दे थ्रू फैराडेज लॉज नूं समझण दी कोशिश करदे हां। क्वेश्चन ये है कि कॉपर सल्फेट दा एक सोल्यूशन लिता ते उनू 10 मिनट्स दे लई इलेक्ट्रोलाइज कीता है, करंट पास किया आपां 1.5 एम्पीयर। ठीक है, पूछा गया है कि किन्ना मास कॉपर दा डिपॉजिट हो जाएगा। करंट आपां नूं पता है 1.5 एम्पीयर, किन्ने मिनट्स दे लई इलेक्ट्रोलाइज किया है 10 मिनट्स दे लई। 10 मिनट दा मतलब 600 सेकंड्स होएगा। ओके, हुण करंट पता है, टाइम पता है, आपां चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज कितना आ गया, आई इंटू टी करके 900 कूलम्स आ गया। कॉपर दी इक्वेशन तो सानू ये दिख रहा है कि कॉपर आयन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड एटम बनाना। इन्ना मतलब 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 × 96500 कूलम, एने कूलम्स बेटे कॉपर दे मोलर मास जिन्ना कॉपर डिपॉजिट करेंगे यानी कि 63.56 ग्राम। ठीक है, एक कूलम किन्ना प्रोड्यूस करेगा, डिवाइड कर देंगे। सो 900 कूलम्स के लिए आप इसे चीज नो मल्टीप्लाई करता। कहन दा मतलब ये है बेटा कि कॉपर सल्फेट दे विचों जदों तुहानू ये दस्या गया भी इन्ना करंट इन्ने मिनट लिए लंघाया तो आप इथों दी कूलम्स कढ ले। ठीक है, करंट नू टाइम नाल मल्टीप्लाई करके चार्ज कढ लिया, उन्ने चार्ज दे नाल किन्ना कॉपर डिपॉजिट होगा सानू पता है कि जदों असी 2 moles इलेक्ट्रॉन यानी कि 96500 कूलम्स नू 2 दे नाल मल्टीप्लाई करके जदों एने कूलम्स असी पास करांगे तां मोलर मास जिन्ना कॉपर डिपॉजिट होएगा ते 900 कूलम्स तो किन्ना कॉपर डिपॉजिट होएगा। सो आई होप बेटा कि तुहानू हुण फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दोनों समझ लग गए होणगे। नोट्स तुसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स च बेटा ले सकदे हो। एक चीज है बेटा कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तुसी इंदे च छड़नी नहीं है, न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम प्रैक्टाइज करने हैं। दोनों लॉज दी स्टेटमेंट्स तुहानू चंगी तरह आनिया चाहिए। ते जे तुहानू किसी थां ते ये लगता है कि वीडियो च पॉइंट नहीं समझ आया तो तुसी उन्हू पॉज करो, उन्हू दोबारा सुनो ताकि वह पॉइंट क्लीयर हो जाए। इस वीडियो के बाद बेटा तुहानू इलेक्ट्रोकैमिकल सैल और इलेक्ट्रोलिटिक सैल के डिफरेंसिस क्लीयर होने चाहिए। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।